नमस्कार, गजब टेक्निकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इमेज सर्च के बारे में बताने जा रहा हूं कि गूगल क्रोम में अपन फोटो के द्वारा एक फ़ोटो की पूरी डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। बाय द वे, अपन ने किसी व्यक्ति की फ़ोटो से अपने पास फ़ोटो है और उस व्यक्ति की अपन को पूरी डिटेल या उसकी जानकारी निकालनी है कि ये व्यक्ति कौन है, तो अपन गूगल क्रोम में उस व्यक्ति की फ़ोटो अपलोड करके उस व्यक्ति के बारे में वो जानकारी निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है और इस व्यक्ति की फ़ोटो कहाँ कहाँ यूज़ की गई है, किस किस ब्लॉग में यूज़ की गई है। तो ये जानकारी हम गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू अपन ये जानकारी निकाल सकते हैं गूगल क्रोम में। तो आज मैं आप सभी को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप अपनी ये है कि हम सबसे पहले यहाँ से डेस्कटॉप साइज़ ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपके मोबाइल में ये शो नहीं कर रहा है फ़ोटो सर्च का, देखिए मैं बताता हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको सर्च करना है सर्च बाय इमेज इन गूगल। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपकी ओपन होती है image.google.com, ये लगा सकते हैं ऐसे ओपन करके। यहाँ से आप ओपन करके यहाँ फ़ोटो सर्च का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो आपके पास फोटो पड़ी है उसका आप URL डाल के उस फोटोज़ को बारे में सर्च कर सकते हैं कि उसकी डिटेल क्या है। जैसे किसी बेसिक जो पॉपुलर पर्सन है उनकी फ़ोटो अपलोड करके उस फोटोज़ की डिटेल जान सकते हैं, या अपन उस फोटो को अपलोड उस फोटोज़ की डिटेल जान सकते हैं। अपलोड एन इमेज पे क्लिक करके अपन फोटोज़ पे क्लिक करेंगे चूज फाइल पे, तो अपन को अपने फ़ोन में से वो फाइल अपलोड करनी है के बारे में अपन को जानकारी निकालनी है। जैसे मैं नरेंद्र मोदी जी की इमेज अपता हूँ, मुझे इस फोटो के बारे में पूरी डिटेल निकालनी है। ये एक पॉपुलर पर्सन है, मैं बेसिकली इन्हीं के बारे में देख लेता हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोटो अपलोड की तो मेरे सामने उस इमेज की इमेज शो हुई और उसका रिजल्ट शो हुआ जिसमें नाम नरेंद्र मोदी। मुझे नहीं पता था कि भाई ये किसकी फ़ोटो है, क्या फ़ोटो है, तो इसीलिए मैंने अपलोड की। फ़ोटो अपलोड करते ही मेरे सामने इनका नाम आया और इनसे संबंधित सारी डिटेल सामने शो हो गई। तो इसी प्रकार हम एक इमेज सर्च के द्वारा गूगल क्रोम में, गूगल ब्राउज़र में हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।